से अर्जित की गई 8,25,000 की भृगुनाथ सिंह के संपत्ति को जिलाधिकारी के निर्देश पर गोरखनाथ थाने की पुलिस ने किया कुर्क, की जा रही है आगे की विधिक कार्यवाही। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार, पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री व पूर्व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, एमएलसी सीपी चंद और मुख्य अग्निशमन अधिकारी डीके सिंह ने जनपद सहित देशवासियों को दीपावली की दी ढेर सारी शुभकामना। कहा, अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जलाए पटाखे। जहर खुरानी गैंग के 4 सदस्यों के ऊपर कैंट थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा किया। पंजीकृत एसपीसीटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने दी जानकारी। वनटांगिया गांव जंगल तिकोनिया नंबर 3 में इस बार मुसहर भी सीएम योगी संग मनाएंगे दिवाली। भूखमरी बना अब इतिहास, मुसहर बस्तियों में भी त्योहार का उल्लास। शिक्षा का फैल रहा है उजियारा, आत्मनिर्भर हो रही हैं मुसहर बेटियां। तेलंगाना में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर सही मायने में घर की लक्ष्मी बनी कुशीनगर की 2 मुसहर बेटियां। मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों के साथ एडीजी जोन अखिल कुमार ने मनाई दिवाली। लोगों में मिठाई, फल, मोमबत्ती का किया वितरण। सभी लोगों को दी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। कचहरी क्लब में लगाए गए पटाखों की दुकानों का मुख्य अग्निशमन अधिकारी डीके सिंह ने किया निरीक्षण। सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। कहा, सभी दुकानदार बेचे ब्रांडेड पटाखे दुकानों पर ना लगाए हैलोजन लाइट। माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की महानगर में 583 स्थानों पर स्थापित की गई मूर्ति। एसपीसीटी ने कहा, सभी मूर्तियों की देखरेख के लिए एक नोडल अधिकारी की लगाई गई है ड्यूटी। नोडल अधिकारी मूर्ति स्थापना से मूर्ति विसर्जन तक रहेगा मूर्ति के साथ, मूर्ति का करवाएगा शांतिपूर्वक विसर्जन। और पुलिस लाइन में पुलिस परिवार के बच्चों के साथ दिवाली महोत्सव मिलन का किया गया आयोजन। बच्चों ने फुलझड़ियां एवं अनार जलाकर रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर एसपी ट्रैफिक एवं ट्रैफिक पुलिस कर्मियों संग दिवाली का उठाया लुफ्त। कहा, सूती कपड़े पहनकर दूर से जलाएं पटाखे तथा अपने परिवार के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाएं दिवाली का पर्व।